काव्या, एक महीना हो गया हमारी शादी को, तुम इससे ऐसे बिहेव कर रही हो? कब तक चलेगा ऐसा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी अभी। काव्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कितनी बार कहा मुझे छुआ मत करो। काव्या, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैं तुम्हारा पति हूं और मुझे हक है तुम्हारे दिल की बात जानने का। वो हक मैंने सिर्फ एक ही इंसान को दिया था और वो इस वक्त यहाँ नहीं है। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी। तो तुमने मना क्यों नहीं कर दिया घर वालों? अगर मना करने का मौका मिला होता तो जरूर करती। तो इसमें मेरी क्या गलती है काफी? क्या इसमें मेरी गलती? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारे घर वालों ने भी ये कहा कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। हमारी इस टॉपिक पर पहले भी कई बार बात हो चुकी है। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप मेरे साथ जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, पति जो है मेरे, लेकिन मैं सिर्फ शरीर से ही आपकी हो सकती हूँ। मैं दिल से कभी आपकी नहीं हो सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा दिल सिर्फ नीरज के लिए धड़कता है और हमेशा नीरज के लिए ही धड़केगा। और एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप जो मर्जी चाहे कीजिए, मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती। मुझे आपसे कभी प्यार नहीं होगा और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष है तो सिर्फ मेरे हालातों का और मेरी किस्मत का। बस बहुत हो गया, तब मैं ऐसे और नहीं जी सकता। शायद मेरी तकदीर में ही तुम्हारा प्यार नहीं लिखा। मैं तुम्हें दिल से खुश देखना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाने ले जा रहा हूँ। What? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच्चाई जी। तो तुम्हें अब ये ड्रामा क्रिएट करना है? हाँ? ओह, कल रात की मेरी बात का बुरा लग गया होगा ना तुम्हें? पागल हो क्या? मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार किया। सिर्फ तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए जो इस जन्म में नहीं मिल सकती। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और वो भी सच्चा। बस ये हमेशा याद रखना, मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा। इस जन्म में तो मेरी नहीं बन सकती, लेकिन अगले जन्म में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम भी मुझे उतना ही प्यार करो जितना मैं तुम्हें करता हूं। अब वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार अपनी खुशी में नहीं, दूसरों की खुशी में होता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी से मिलवाने ले जा रहा हूं। आखिर क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? क्या जरूरत है इन्हें ये ड्रामा करने की? इतने सालों बाद नीरज के पास फिर से? चलो काव्या,
नीरज वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है और किसी और के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। हाँ तो मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तू सब समझता है, ज्यादा बेवकूफ बनने का नाटक मत कर, समझा? देखो तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती है, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। तूने इसकी बात सुन ली और एक अच्छे और नेक दिल इंसान की तरह इसको लेके मेरे घर पे चला आया, मेरे को सौंपने। तेरे को क्या मैं घर नजर आता हूं है? ये तुम घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? सीधे मुद्दे पे आओ। मुद्दे की बात ये है कि तू एक ओछे किस्म का घटिया मतलबी और ढोंगी इंसान है, और ये जो तू महानता दिखा रहा है ना कि तू काव्या से बहुत प्यार करता है, हाँ इसको बहुत समझता है, हाँ ये सब तेरा ढोंग है। वरना जो मर्द अगर किसी औरत को प्यार करता है ना तो उसको दूसरे मर्द के पास लेकर नहीं आता है। देखो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ काव्या के लिए यहां आया हूं। क्या तुम काव्या से प्यार नहीं करते? करता था लेकिन फिर वो तेरी हो गई, तेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ गया और मैंने अपनी जिंदगी से उसे निकालकर फेंक दिया। देखो अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो वो टूट जाए, हमारे बीच में कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है। काव्या ने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं, यहां तक कि ठीक से बात भी नहीं की मुझसे। कितना अच्छे से झूठ बोलते हो। हाँ मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, भाड़ में गई काव्या और भाड़ में गया तू, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और तुझे क्या लगा मैं इसे अपना लूंगा, इसे सहारा दूंगा? घंटा मेरा। तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपने परिवार को अपने से दूर रखा, यहां तक कि अपने पति को कितना दुख दिया, और तूने तूने मेरे साथ क्या किया? मेरे लिए इतनी गंदी बातें की, छी। तू एक घटिया इंसान है और हमेशा एक घटिया इंसान ही रहेगा। सारी मेरी ही गलती है, मैं ही तुझ जैसे इंसान से अंधा प्यार कर बैठी थी, और उस प्यार के चलते मैंने इस इंसान की महानता को भी नजरअंदाज कर दिया। और तू मेरे तो क्या, तू किसी भी लड़की के प्यार के काबिल नहीं है। मैं भी कितनी अभागिन, आपको इतने दुख दिए, मेरे पास शब्द नहीं है आपसे माफी मांगने के। आप महान हैं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा पति बहुत किस्मत वालों को मिलता है, मैं ही बहुत बेवकूफ थी जो आपके प्यार को ना समझ सकी। कभी आई एम सॉरी।